सो हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर बात करें इंस्टाग्राम की, अगर बात करें तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे अभी के डेट में जो कपल कार्टून के रूप में जो चल रहा है, क्यूट कपल कार्टून, तो अभी के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है इंस्टाग्राम में। तो दोस्तों, अगर हम भी उस तरह के पोस्ट और रील्स बना करके अगर हम यूट्यूब पे अगर और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो हमारे भी वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप भी इस तरह से इंस्टा पेज बनाना चाहते हैं या आप यूट्यूब चैनल बना करके इस तरह के अगर आप वीडियो क्रिएट करके अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम होगा और आपके चैनल और इंस्टाग्राम पेज बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो किस तरह से बनाया गया है और यहाँ पे किस तरह से ये सब वीडियोज बनता है। तो चलिए मैं आज आप लोग को बतला देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन से ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियोज दिखा देता हूँ और इस तरह के वीडियोज में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस समय व्यूज आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग व्यूज आँख के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 15,000, 32,000, 19,000, 17,000, 18,000, 14,000, मतलब दोस्तों व्यूज की कोई कमी नहीं हो रहा है। तो आप लोग को इंस्टा पोस्ट पे आप डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है या यूट्यूब पे डालना है, कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सीख लीजिए कि इस तरह के वीडियोज क्रिएट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह के ये सब वीडियोज हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को दिखा दिया इस तरह के वीडियोज यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को इस तरह के वीडियोज कैसे क्रिएट करना है तो चलिए अब मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जरूर से इस टॉपिक पे वीडियोज बनाइएगा और इस तरह की रील जरूर आप बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को सबसे पहले मैंने दिखा दिया कि किस तरह से वीडियोज था और किस तरह से बनाना है, वो भी मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बतला देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आप लोग को क्या करना है, इमेज, यहाँ पे इमेज सर्च को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज सर्च एप्लीकेशन है, उसको दोस्तों ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आप जब भी जाएंगे प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे आप लोग को इमेज सर्च एक एप्लीकेशन आएगा, तो वहाँ पे आपको सर्च करके ये जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो फाइनली मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन जैसे मैंने किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है एंड यहाँ से आप लोग को क्या सर्च कर देना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, 3D। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च किया कर देना है 3D क्यूट कपल कार्टून। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को इस तरह से सर्च कर देना है एंड सर्च करने के बाद इस तरह से आप लोग को सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इस तरह के सर्च करते हैं तो आपके पास इस तरह से बहुत सारा इमेजेज मिल जाएगा और जो कि नो कॉपीराइट इमेज है और यहाँ से अनलिमिटेड इमेज आप लोग यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कैसे डाउनलोड इमेज करना है, कैसे वीडियोज बनाना है, मैं आपको सारे तरीका को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके प्ले स्टोर से जाना है इस वीडियो को देखने के बाद और वहाँ से आप लोग को इमेज सर्च एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च किया कर देना है 3D
क्यूट कपल कार्टून, तो आप लोग को इस तरह से आपको सर्च कर देनी है। एंड सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलिमिटेड यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे इमेजेस मिल जाता है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक इमेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपके बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को एक इमेज को ओपन करना है एंड यहाँ से आप लोग ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग को हर इमेज को इसी तरह से मतलब आपको डाउनलोड कर देनी है। तो मैंने आपको यहाँ से 2-3-4 इमेज यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लेता हूँ, इसके बाद में आगे का प्रोसेस आगे मैं बतला देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फाइनली यहाँ से 3-4 यहाँ पे वीडियो यहाँ पे जो भी 3-4 यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से कट आउट आ जाना है, यानी कि कट कर देना है। एंड कट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इंसॉर्ट एप्लीकेशन की यूज कर सकते हैं या आप VN एप्लीकेशन की यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसॉर्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे VN एप्लीकेशन है एंड यहाँ से कैन मास्टर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी एप्लीकेशन की यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि मैं किसी भी सभी में मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ इंसॉर्ट एप्लीकेशन बेस्ट होगा, जो कि इसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और बारीकी चीज़ मतलब इसमें साफा ही दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इंसॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग को क्या करना है, ये जो वीडियो वाला प्लस का आइकन लग रहा है यहाँ पे वीडियो वाला फर्स्ट में, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिखाई दे देगा ऊपर में, आप ध्यान से देखिए इस तरह से यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वीडियो लोकेगा, फिर यहाँ पे फोटोज, फिर यहाँ से ऑल पे। तो सबसे पहले आपने फोटोज को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटोज वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे फोटोज वाले पे क्लिक कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से बारी बारी से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे यहाँ पे मतलब इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है जितने आप इमेज को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे के आपको प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखाएगा, यहाँ पे नीचे की ओर टिक आउट का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर आप इंसॉर्ट में करते हैं तो आपके पास जो भी जो वीडियो अगर एडिटिंग होते हैं आप कैन मास्टर से करते हैं तो आपके पास कोने में एक वाटरमार्क आ जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूं कि इंसॉर्ट एप्लीकेशन बेस्ट है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले इंसॉर्ट एप्लीकेशन जो यहाँ पर लोगों दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसको कटआउट पर क्लिक कर देना है और जो वीडियो आएगा उसको वॉच कर देगा। तो आप लोग को ये जो है हट जाएगा जो भी यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है इंसॉर्ट का। तो ये तो हम लोग का फ़ायदा एक हो जाता है। एंड दूसरा में अब मैं आप लोग को इस तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्स का। तो यहाँ पे आपको कन्वर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग को 16:9 की रेशियो मिल रहा है, इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है। एंड यहाँ पे आप लोग को एक टिक आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक आउट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आ जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको यहाँ पे जो भी लेयर लोक रहा है, ये जो आपको लोअर लेयर लोक रहा है, आप ध्यान से देखिए इस वाले लेयर पर क्लिक करके इसको हल्का हल्का छोटा कर देना है। तो फाइनली यहाँ से मैं यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से छोटा कर लेता हूँ और फिर आगे का मैं आप लोग को बतला देता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे छोटा हुआ है लेयर। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट डालना है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको यहाँ पर इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है एक पे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप लोग को जिस भी इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको इफेक्ट है इस वाले को आप लोग को यूज कर देना है। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से इस तरह से आप लोग को कर देना है। एंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है।
इस पर क्लिक करके तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको ऊपर वाला यहाँ पे लाइन लुक रहा है इस वाले में आपको यूज कर लेनी है। अगर आप इस वाले में यूज नहीं करते हैं तो आपके यहाँ पे पैड मांगेगा, यानी कि ये जो पैड है तो आपको बगैर पैड के करना है। तो आप बेसिक वाले पे क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पे मैंने यूज कर दिया हूँ। एंड करने के बाद अब मेरा इस तरह से वीडियो यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो अगर आप म्यूजिक यहाँ से डालना चाहते हैं तो म्यूजिक भी यहाँ से डाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है, म्यूजिक वाले पे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको म्यूजिक पे फिर से क्लिक करना है, इस म्यूजिक पे आना है एंड यहाँ से आप लोग को माई म्यूजिक पे आ जाना है। यहाँ से ऊपर में आपको माई म्यूजिक लोग हो जाएगा तो इस पे आना है और यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने इसको मतलब आपको जो भी आपने सॉन्ग को सेलेक्ट करना चाहते हैं। या अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको कॉपीराइट आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आप लोग नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ से यूज कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से आएगा एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है। तो यहाँ से इस वाले पे स्प्लिट पे जाता हूँ, स्प्लिट पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे है बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो वीडियो जो है कपल वीडियो बनकर रेडी हो गया, 3D कपल, क्यूट कपल, कार्टून, इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, जो भी यहाँ पर इंसर्ट एप्लीकेशन है आ रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो है ऐड के रूप में कुछ आएगा, ये नहीं भी आ सकता है तो इसको स्किप कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे हट चुका है। यहाँ से हटने के बाद आप दोस्तों आपको ऊपर में सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को दोस्तों सेव फिर से कर देना है। ऐड दे दिया तो ऐड को स्किप कर देना है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से आसानी से वीडियो बना सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नॉलेज जरूर मिला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले चैनल जय भारत।